इंसानों को कुदरत ने बाकी जानवरों से कुछ ज्यादा ही दिया है, लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षी इंसान का इससे पेट नहीं भरा है और वो हमेशा ऐसी काबिलियत हासिल करने में लगा रहता है जो उसे सबसे अलग और ताकतवर बना दे। कुछ हद तक तो वो कामयाब भी रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस धरती पर ऐसे कई जीव मौजूद हैं जिनकी काबिलियत के आगे केवल इंसान ही नहीं बल्कि उनकी दूसरी प्रजाति भी हार मान जाती है। यह काबिलियत उन्हें इस दुनिया में आज तक अपना अस्तित्व कायम रखने में मदद किए हुए है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो बेहद अजीबोगरीब ताकत, काबिलियत, योग्यता या कहे तो सुपर पावर के धनी है। मर्सकीपर। आमतौर पर जाना जाता है कि मछलियां पानी के बाहर जिंदा नहीं रह पाती है और पानी से दूर करने पर ही उनकी मौत हो जाती है, लेकिन थाईलैंड में पाई जाने वाली मर्सकीपर एक ऐसी मछली होती है जो कि पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती है और दलदली जमीन पर रेंग रेंग कर चल सकती है। यह मछली जमीन पर बाहर आकर कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाने के लिए घूमती रहती है। इस कारण से यह जल और थल दोनों स्थल पर रह सकती है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक एम्बिशियस प्राणी है। यह ऐसा अपने शरीर में बने दो स्पंज पाउच की वजह से कर पाती है। यह ऐसे दो थैलुनुमा खोल देती है जिनका उपयोग यह जमीन पर आते वक्त इनमें पानी भर लेती है। इस पानी से अपने गलफड़ों को गीला रखती है और जब दोनों थैलियों वाला पानी खत्म हो जाता है या सूख जाता है तो यह अपने मुंह से ऑक्सीजन ले लेती है। इसी वजह से यह कई घंटों तक पानी के बाहर भी मजे से रह सकती है। अब एक वीडियो के बारे में सुनिए कैसे मछलियां पानी के बहाव के विपरीत दीवार पर चढ़कर आसानी से ऊपर ज्यादा पानी की तरफ मूव कर रही है। ये क्लिप राजस्थान में शूट की गई थी और इन मछलियों को हिल्स फ्रॉम लॉन्च कहा जाता है। ऐसा कारनामा ये अपने पेक्टोरल फिन की मदद से करती है। ऐसा करके ये न केवल दीवार या चट्टान पर चढ़कर शैवाल खाती है बल्कि तेज धारा से बचने के साथ साथ ज्यादा पानी वाले स्रोत तक जाने के लिए भी करती है। एक्वेरियम में भी रखने पर यह शीर्ष से चिपक कर ऊपर चढ़ जाती है। इसी प्रकार इक्वाडोर में एक गुफा की खोज करने वाला वैज्ञानिक उस समय हैरान रह गया जब उन्होंने देखा कि एक फैट फिश भूमिगत धारा से निकलकर एक सीधी चट्टान पर 10 फीट ऊपर चढ़ गई। ये कैटफिश अमेजन नदी में पाई जाने वाली सकर माउथ आर्म फैट फिश फैमिली की हो सकती है। अपने वैक्यूम जैसे मुंह की मदद से पेड़ों और चट्टानों पर चढ़कर बहाव से बचती है। सनफ्लावर स्टारफिश। स्टारफिश की लगभग 1500 से 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी 5 बाहें होती हैं, लेकिन एक स्टारफिश ऐसी भी है जो आकार में बहुत बड़ी यानी लगभग 3.5 फीट और जिसकी 5 नहीं बल्कि करीब 24 बाहें होती हैं। इसको सनफ्लावर स्टारफिश या फिर जॉम्बी स्टारफिश कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी हर एक बाह के पास उसके खुद के वाइटल ऑर्गन होते हैं। हड्डियों और दिमाग न होने के बावजूद भी इसके पास बहुत ही शानदार और घिनौनी सुपर पावर है। सबसे पहले तो यह कि उसकी हर एक बाह के पास आंख होती है जो लाइट सेंसिटिव होती है। इसके अलावा यह अपना स्टोमक बाहर निकालकर अपने शिकार के ऊपर रख देती है जिससे वो गल जाए ताकि वे आसानी से डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जो इसकी सबसे घिनौनी सुपर पावर है वो यह है कि ये मन मुताबिक अपनी बाह अपने शरीर से अलग कर देती है जो इधर उधर पड़ी समुद्र में आसानी से दिख जाएगी। जैसा हमने बताया था कि हर बाह के खुद के वाइटल ऑर्गन होते हैं, इसलिए वो खुद की लाइफ जीने के लायक होते हैं जैसे कोई जॉम्बी। यहाँ तक कि ये अगर सारी बाहें अपने शरीर से अलग कर दे तो भी दोबारा सारी आर्म्स को दोबारा रीजनरेट कर सकती है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह ऐसा शिकारी से बचने के लिए करती है, जैसे जब किसी शिकारी द्वारा इसकी किसी आर्म को पकड़ लिया जाता है तो ये उसे अपने शरीर से अलग कर देती है, बिल्कुल छिपकली की पूंछ की तरह। आर्चर फिश। मछलियां केवल पानी के अंदर ही भोजन तलाश नहीं करती बल्कि पानी की सतह के आसपास बैठे कीट पतंगों का शिकार कर सकती है। मिलिए आर्चर फिश से। ये देखने में जितनी खूबसूरत होती है, इसका छोटे कीड़ों को मारकर खाने का तरीका उतना ही अलबेला। यह पानी के ऊपर किसी वनस्पति पर बैठे कीड़े की तरफ अपने मुंह से पानी का तेज फवारा फेंकती है। वह पहले सावधानी पूर्वक शिकार के पास आती है, अपने गलफड़ों में पानी इकट्ठा करती है और फिर एकाएक तेज आवेग से धार छोड़ती है। अचानक हुए हमले से शिकार हक्का बक्का रह जाता है और पानी में आ गिरता है। उसके बाद उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता। पानी जरूरत के मुताबिक इस फवारे की रेंज में लगभग 3 मीटर तक घटा बढ़ा सकती है। यह दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। जर्मनी की फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ता शटर ने बताया कि ऐसी मछलियां अपने बचाव के लिए भी वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। उन्होंने बताया कि मैंने एक्वेरियम के लिए मंगाई ऐसी कुछ मछलियों को टैंक में डाला तो उन्होंने मेरे नाक पर पानी की धार छोड़ी।
अल्पाइन आईबैक्स। उत्तरी इटली में पाई जाने वाली अल्पाइन आईबैक्स ने अपनी एक खास क्षमता से बाकी बकरियों के साथ साथ प्रकृतियों को भी मात दे दी है। जी हाँ, ये बकरियां ग्रेविटी को मात देते हुए 80 से 90 डिग्री एंगल पर खड़े 160 फुट ऊंचे बांध पर भी आसानी से चढ़ जाती है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर ये बकरियां और उनके मेमने जानलेवा स्टंट को भी अंजाम देते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये ऐसा कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ऐसा कारनामा करने में इनके खुर इनकी मदद करते हैं जो बटे हुए होते हैं और जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों करती है? पहले साइंटिस्ट का मानना था कि ये जंगली शिकारी जानवरों से बचने के लिए ऐसा करती है, लेकिन अब मालूम चढ़ा है कि ये डैम के पत्थरों पर मौजूद मिनरल सॉल्ट को चाटने के लिए इतना जोखिम उठाती है क्योंकि इनका खाना सॉल्ट की उस आपूर्ति को पूरा नहीं कर पाता जो उनके शरीर के लिए जरूरी है। फिर एक सवाल और उठा कि अगर ऐसा है तो मेल अल्पाइन डैम की चढ़ाई क्यों नहीं करते। तब साइंटिस्ट ने बताया कि मसल्स और नव के लिए फायदेमंद ये सॉल्ट माँ के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों को दूध पिलाना और उसका विकास करना उसकी जिम्मेदारी होती है। कुछ कुछ ऐसा ही दृश्य आपको मोरक्को में देखने को मिलेगा। यहाँ पेड़ों पर चिड़ियों की जगह बकरियां नजर आती है। ये ऑर्गन के पेड़ों पर लगे फलों को खाने के लिए चढ़ती है। इनके मालिक भी इन्हें इस काम से नहीं रोकते क्योंकि ये फल खाने के बाद उनकी उल्टी और पोटी से निकलने वाले बीज से तेल निकालकर लाखों रुपए की कमाई की जाती है। कई लोग सोच रहे होंगे कि आदमी खुद क्यों नहीं कर लेते ये काम। तो आपको बता दें कि बकरी की पाचन क्रिया से निकलने के बाद बीज काफी मुलायम हो जाती है और उसे फोड़कर तेल निकालना आसान हो जाता है। जीजस बग, पानी के ऊपर चलने की काबिलियत भला किसे पसंद नहीं होगी। बेसिलस नाम की लिजर्ड पानी में बेहद ही तेज गति से दौड़ लगाती है और यह गति करीब 5 फीट प्रति सेकंड की गति से भी तेज है। इसलिए पानी की सतह टूटने से पहले बेसिलस आगे चली जाती है जिसकी वजह से यह पानी में डूबती नहीं। इसलिए इसको जीजस क्राइस्ट लिजर्ड भी बोलते हैं। इसी तरह की काबिलियत हासिल करना इंसान का सपना जरूर हो, पर आज के समय में यह मुमकिन नहीं क्योंकि औसतन वजन से इंसान को पानी पर दौड़ लगाना हो तो उसे 30 मीटर प्रति सेकंड से भी तेज गति हासिल करनी होगी, तभी हम पानी की सतह टूटने से पहले आगे बढ़ पाएंगे। खैर, अब जिस जीव के बारे में हम आपको बताएंगे उसे बेसिलस की तरह पानी पर बने रहने के लिए तेज चलने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, वाटर स्ट्राइडर्स उर्फ जीजस बग पानी के ऊपर आसानी से स्केट्स कर सकते हैं जैसे हम बर्फ के ऊपर करते हैं ना, ठीक वैसे ही। दरअसल स्ट्राइडर्स के पैर और बॉडी हाइड्रोफोबिक माइक्रो हेयर से ढकी होती है जो पानी को रिपेल करते हैं। इसके अलावा ये बाल एयर को भी ट्रैप कर लेते हैं जो इनको पानी के ऊपर सतह पर बनाए रखते हैं। ये तैरते या कूदते नहीं है, बस तेजी से स्लाइड करते हैं और दूसरे छोटे कीटों का शिकार करते हैं। इसके खुले हुए चारों लंबे पैर इसे बैलेंस बनाने में मदद करते हैं, बाकी बचे दो पैर इसे स्लाइड करने में और स्पीड को कम ज्यादा और ब्रेक मारने में मदद करते हैं। ये पानी के ऊपर बने रहने में इतना एफिशिएंट है कि अगर इसके ऊपर इसके वजन का 15 गुना ज्यादा वजन भी रख दिया जाए तो ये डूबेगा नहीं। मिमिक ऑक्टोपस। आपको शायद सुनने में किसी काल्पनिक साइंस फिक्शन मूवी की कल्पना लगे, पर यह सच है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो अपना शारीरिक आकार बदलने की काबिलियत रखते हैं। मिमिक ऑक्टोपस एक ऐसा ही प्राणी है जो दूसरे प्राणी के शरीर का आकार धारण करने में सक्षम है। अपने शिकारियों को उलझाने हेतु मिमिक ऑक्टोपस अपना आकार किसी दूसरे जानवर की तरह बदल लेता है, जो कभी बड़ा आकार ले लेते हैं या कभी जहरीले सांप जैसा या जहरीली लायन फिश जैसा बन जाते हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों पैरों पर भागते हुए भी देखे गए हैं, बिल्कुल किसी मुर्गी की तरह। ये बड़ी आसानी से उन जैसे रंग और आकार कर लेते हैं। ऑक्टोपस अपना रंग रूप अपनी त्वचा की वजह से ही बदलता है। सिर्फ रंग ही नहीं, ऑक्टोपस अपनी त्वचा में उतार चढ़ाव भी पैदा कर सकता है। बॉम्बार्डियर बीटल। कुदरत ने जीवों को अपनी आत्मरक्षा के लिए अलग अलग तरीके की काबिलियत दी है। ऐसी एक काबिलियत इस बीटल के पास मौजूद है, इसलिए इसका नाम अनुरूप मिलता है, यानी बॉम्बार्डियर बीटल। दरअसल ये अपने पेट के पास मौजूद एक चैनल के माध्यम से बेहद गर्म और बेहद घातक विष को बलपूर्वक बाहर स्प्रे करने के लिए प्रसिद्ध है। इसके पेट में दो चैम्बर होते हैं, एक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरे में हाइड्रोक्विनोन होते हैं जो कि सेफ लिक्विड होते हैं। लेकिन खतरा महसूस होने पर यह बीटल इन दोनों केमिकल्स को अपने पेट के टिप पर मौजूद कुछ दूसरे कैटलिस्ट की मदद से मिक्स कर देता है, जिसके कारण एक विस्फोटक बनकर तैयार हो जाता है जिससे उस टिप का तापमान 212 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
फिर ये उस गर्म और लिथल लिक्विड को खतरे पर स्प्रे कर देता है। ऐसा करते वक्त पंपिंग साउंड भी निकलती है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह बीटल केवल एक बार नहीं बल्कि 70 बार लगातार इस तरह का घातक केमिकल स्प्रे कर सकता है। जब तक कि केमिकल पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक ये स्प्रे करता है, बिल्कुल किसी मशीन गन की तरह। इसके अलावा ये शूट करने वाली एब्डोमिनल टिप को 270 डिग्री के एंगल तक रोटेट कर सकता है, जिससे इसे बिना बॉडी को हिलाए खतरे पर सटीक निशाने से लिथल स्प्रे करने की सहूलियत मिलती है। इसीलिए किसी भी बीटल को छेड़ने या पकड़ने से पहले दो बार चेक कर लीजिएगा कहीं वो बॉम्बार्डियर बीटल तो नहीं। बड़ी जापानी भीड़। ये हॉर्नेट देखने में छोटी सी है लेकिन ये अपनी बिरादरी की सबसे बड़ी हॉर्नेट है, और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये जापान के ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है। आमतौर पर शांत रहने वाली ये हॉर्नेट छेड़ने पर बड़ी खतरनाक हो सकती है, और इसका 6.25 मिलीमीटर का लंबा डंक इंसान के नर्व सिस्टम किडनी को डैमेज कर सकता है और तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके जहरीलेपन का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हर साल जापान में 30 से 40 मौतें इसके डंक से होती है। ब्राजीलियन मकड़ी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार यह मकड़ी इस दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी है। दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाए जाने वाले इस मकड़ी के जहर का विषरोधक होने के कारण इंसान को बचाया जा सकता है। इस मकड़ी के काटने पर हाई और लो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट का तेज होना, बहुत अधिक पसीना आना और नौजिया जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसके नाम की तरह इधर उधर घूमने का स्वभाव ही इसे खतरनाक बनाता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अभी भी ऐसे कई जीव हैं जिनके पास कमाल की काबिलियत है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।